शाहरुख खान धनाधन टाइगर 3 में शूटिंग करने में लगे हुए हैं। सारे शॉट्स तमाम एक्शन सीन को शाहरुख मड आइलैंड में कर रही है। इसके साथ ही एक्शन सीन की शूटिंग सलमान खान जहां उसके बॉडी डबल बॉडी के साथ हो रही है। अब और धांसू क्लाइमेक्स प्लानिंग चल रही है तो आखिर सलमान के बिना क्यों चल रही है शूटिंग? शाहरुख खान बॉडी डबल बॉडी के साथ क्यों शूटिंग कर रही है? कितने देर बाद हो रही है टाइगर 3 का क्लाइमेक्स, आइए जानते हैं। देखिए, शाहरुख खान ने सलमान खान डबल बॉडी के साथ 2 दिन तक शूट करने लगे हुए हैं। अब आगे की शूटिंग आज से यानी कि 22 मई से शुरू हो गई है, लेकिन सलमान के बिना डबल बॉडी के साथ 2 दिन तक शूट किया जा रहा है, क्योंकि सलमान खान टाइगर 3 के सर पर एग्जिट हो गए थी। इसी बात की अपडेट हमने आपको पहले ही दे दी थी। ऐसे में सलमान खान ने भी फ्राइडे को टाइगर 3 के बारे में मीडिया के जरिए शेयर किया था और उनके बाद उन्होंने शूटिंग में 2 दिन तक छुट्टी ली गई थी, क्योंकि वह पिछले हफ्ते से मुंबई के मड आइलैंड में शूटिंग कर रहे थे। वह फिल्म के क्लाइमेक्स सीन शूट कर रहे थे। हालांकि थर्सडे सलमान खान कंधे पर चोट लग गई थी, ऐसे में उन्होंने 2 दिन तक आराम करने की हिदायत दी गई थी। फिल्म से जुड़ी सूत्रों ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि इसीलिए सलमान खान फ्राइडे से संडे तक लेकर शूट से दूर रहे हैं। दरअसल सलमान खान की टाइगर 3 के एक्शन सीन शूट इन दिनों चल रही है। मड आइलैंड में मई से पहले वीक्स से शुरू हो गई थी और 8 दिन तक शूट किए गए थे। इस बात की मड आइलैंड में फ्राइडे के शूटिंग के आखिरी दिन था, फिर सोमवार से शूटिंग को ब्रेक किया गया था और अब 21 मई के टीम के बाकी क्रू मेंबर्स फिल्म सिटी मुंबई के बाकी हिस्सों में शूट करने कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अपडेट ये भी है कि मंडे से सलमान खान शूट पर आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि सलमान और शाहरुख के हिस्से की शूटिंग कर रहे थे। सलमान और शाहरुख खान के साथ पठान के रूप में शूट करने वाले थे। हालांकि सलमान खान बिना 2 दिन के तक शाहरुख खान ने शूटिंग कर रहे थे। एक्शन सीन की बाहरी हिस्से की शूटिंग मड आइलैंड में की गई थी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।